हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह प्रौंचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम है, प्रौंचल विश्वविद्यालय के द्वारा आप सबके रिजल्ट्स जारी करना स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका रिजल्ट आया है, जहाँ पे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ रहा है, जहाँ पे अभी भी फिलहाल बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सर रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमने आपको बताया था, कल ही वीडियो मैंने बना के बता दिया था, आपको जो रिजल्ट है वो प्रौंचल विश्वविद्यालय के द्वारा अपलोड कर दिया गया है और सभी रिजल्ट अपलोड किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी नहीं शो कर रहा है, वो आने वाले दिनों में शो करने लगा। उसके बाद बच्चों के द्वारा एक अलग क्वेश्चन पूछा गया कि सर, जो बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स कब आएगा, और साथ साथ जो बीकॉम के फर्स्ट व थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने के लिए आप सबके लिए एक नया स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। आई स्टूडेंट्स, वीडियो को आप जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिजल्ट का लिंक देखने को मिलेगा। आपको उस लिंक के माध्यम से सीधा आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रिजल्ट सेमेस्टर पे आप ओपन कर लेंगे और वहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल के आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का रिजल्ट जारी किया गया है, वो आपका कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में और जानकारी लेके आज हम आप सबके पास आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक पेपर के कटिंग के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने बीकॉम के, देख सकते हैं कि बीकॉम के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी बीकॉम का जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ, वो बीकॉम सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट्स अभी जारी किए गए, बट इसमें भी बहुत से बच्चों के रिजल्ट्स अभी शो नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं शो रहा है, जल्द ही उनका भी रिजल्ट शो होने लगेगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने गाजीपुर और जौनपुर संबंध महाविद्यालय में अध्ययनरत बीकॉम पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को दोपहर घोषित कर दिया गया था। जी हाँ शुभ, जैसे शुक्रवार को आपका दोपहर में रिजल्ट जारी कर दिया था, लेकिन देर रात को शो करना भी स्टार्ट हो गया था। परंतु अगर हम बात करते हैं कि बीए बीएससी का रिजल्ट भी एक सप्ताह के भीतर अपलोड कर दिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि जो आपका बीए और बीएससी का रिजल्ट है, वो जल्दी आपके आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो बीए बीएससी का रिजल्ट है, आपका एक सप्ताह के भीतर अपलोड कर दिया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, और डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रशासन के स्नातक बीए बीएससी बीकॉम व साथ ही साथ स्नातकोत्तर एमए एमएससी व एमकॉम की परीक्षा के साथ साथ उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य भी शुरू करा दिया था। जैसा स्टूडेंट आप सबको मालूम है, आपका एग्जाम कम्प्लीट है, उसके साथ साथ आपका मूल्यांकन भी स्टार्ट कर दिया गया था और समय से आपका मूल्यांकन का कार्य भी कम्प्लीट हो गया था। लेकिन जिससे समय से परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के समय से परीक्षकों की सूची ऑनलाइन किए जाने पर काफ़ी संख्या में महाविद्यालयों के संचालकों ने छात्र छात्राओं के जो मौखिक व प्रायोगिक अंक है, जो कॉलेज के लॉगिन आईडी पर अपलोड करना होता है, उन्होंने समय पे अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो आने में लेट हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट आने में डिले हुआ है, वहाँ पे सीधा ब्लेम लगाया जा रहा है कॉलेजेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपके जो कॉलेज हैं, वो आपके मौखिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा का जो अंक है, कॉलेज के लॉगिन आईडी पे जो अपलोड करना होता है, उन्होंने अपलोड नहीं किया था, जिसकी वजह से समय से परीक्षा परिणाम जारी करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब काफ़ी संख्या में महाविद्यालयों ने प्रायोगिक एंड मौखिक परीक्षाओं का जो आपका नंबर है, वो प्रौंचल विश्वविद्यालय के आईडी पे अपलोड कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय आप सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, परीक्षा परिणाम कला संकाय के परीक्षा परिणाम भी एक सप्ताह के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा हमने स्टार्टिंग बताया कि आपके जो कला और साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट का एक हफ्ते के अंदर आप सभी स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर दीजिए। अब आप बात करते हैं जो हमारे परीक्षा नियंत्रक अजित प्रताप सिंह ने, वो उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि सभी संख्या का परीक्षा परिणाम तैयार है। सबसे पहले बीकॉम पंचम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, कला व विज्ञान संकाय का रिजल्ट भी 4 से 5 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जो आपके रिजल्ट से आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसी साल फेबर के अभी जो स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं शुक्र है, वो परेशान ना हो, आने वाले समय में भी आपका रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से बच्चों के द्वारा कमेंट्स आ रहे थे कि सर, हम लोग का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपको एक बार फिर से बता दिया है कि आपके रिजल्ट शो हो रहे हैं, आप परेशान ना होइए, और जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अभी नहीं शो रहा है, तो आने वाले समय उनका भी रिजल्ट शो होने लगा। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।